प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन गाना खाना एंड सजाना, और मैं हूँ मनोरमा। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी हुआ है, तो मैंने सोचा कि चले आपसे मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ गाने के विषय में। जी हाँ, करीब 1.5-2 साल पहले मुझसे किसी ने कहा कि आप मेल सिंगर के गाने गाया करो। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आप मेल सिंगर के गाने गाओगे तो आपकी जो अपनी आवाज़ है वो बाहर आएगी, वो आप उस गाने को आप अपनी आवाज़ में गाओगे तो आपकी अपनी आवाज़ निखरेगी। तो मुझे बात सही लगी और तब से मैं मेल सिंगर के गाने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाने की कोशिश करती हूँ ताकि उसे मैं अपनी आवाज़ में गाऊँ और मुझे अपनी आवाज़ की पहचान हो। वरना ऐसा क्या होता है कि हम अगर फीमेल सिंगर्स के गाने गाते हैं तो हम उनकी मतलब ना चाहते भी हम उनकी नकल करने लगते हैं। तो ऐसे में ये सही होता है कि हम मेल के गाने गाएं ताकि मेरी अपनी आवाज़ बाहर आए। अब गाने की शुरुआत मेरी कैसे हुई, पब्लिक में गाने की शुरुआत? वैसे मैं बचपन में से ही मैं गाती हूँ, घर में गाती थी, किचन में, बाथरूम में, बस इतना ही गाती थी मैं। लेकिन पब्लिक में मेरी शुरुआत कैसे हुई उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बात करें 20 साल पहले की है। हमारा मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो चुका था और उनके जगह पर जो जिन ऑफिसर को आना था वो आ चुके थे, और ये 31 का टाइम था। उस दिन 31 था, दिसंबर था, और हमारा फेयरवेल था और वो जो ऑफिसर थे उनका वेलकमिंग था, और 31 दिसंबर था। ये सारी पार्टियां एक साथ हम बहुत अच्छे से मतलब हम मना रहे थे, तो काफ़ी अच्छे से खाना पीना, बोन फायरिंग चल रही थी, तो माइक भी आया था, तो ऐसा चल रहा था। तो जो मेरे जो ऑफिसर थे, जो उनके जो हमारे हस्बैंड की जगह पर जो आए हुए थे ऑफिसर, उनकी मिसेज, वो लोग बंगाली थे, उनकी मिसेज ने माइक उठाया बड़ी कॉन्फिडेंट से और उन्होंने गाना स्टार्ट किया, और मैं भी सुनने लगी ध्यान से, मैं जरा देखूँ कैसे गाती हैं ये। तो वो लोग बंगाली थे और उनके मिसेज ने माइक उठाया और बहुत कॉन्फिडेंट होकर वो गाने लगी। तो बंगाली का एक अलग ही उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है सौ को लेके, वो हर चीज़ को सौ को वो शौक मतलब ज़्यादातर वो शौक का इस्तेमाल करते हैं, शौ वर्ड का। तो वो जब गाने गाने लगी, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, और मैं ऐसे देख रही थी। वो मतलब अच्छा गा रही थी, अपने हिसाब से वो अच्छा गा रही थी, पर मैं उनका गाना सुन रही थी और मैं मेरे अंदर जो आज तक मैंने कभी पब्लिक में गाया ही नहीं था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। वो गा रही थी और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा कि जब ये इतने कॉन्फिडेंटली गा सकती हैं तो मैं तो अच्छा गा लेती हूँ, फिर मैं क्यों नहीं गा रही हूँ। अब वो जैसे जैसे गाना गा रही थी वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा था। तो जब उन्होंने माइक रखा तो मैंने माइक उठा लिया और मैंने गाना शुरू किया। पीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, माहौल एकदम शांत हो गया, सब बड़े ध्यान से मेरे गाने को सुन रहे थे, और उस दिन जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया उस दिन उनकी वजह से आया। आज मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं आज पब्लिक में गाती हूँ, मुझ पे
कॉन्फिडेंस आया, नहीं तो मैं तो किचन में ही गा के और बाथरूम में ही गा के मैं खुश थी, घर में गा के मैं खुश थी। तो इस तरह जो मेरी कहानी है, मेरे गाने की शुरुआत हुई, और इस तरह से मैं उसके बाद से मैं पब्लिक में गाने लगी। तो मैं उनका आज भी धन्यवाद करती हूँ, अगर उस दिन वो गाना नहीं गाती तो आज मैं भी नहीं गाती पब्लिक में। बस एक छोटी सी ये घटना मुझे याद आ गई गाने को लेकर। वैसे तो मेरे गाने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।